हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे सीएसआईडी डिपार्टमेंट के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पर जो ओटी वगैरह ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन होते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो अनस्टेराइल होकर यहीं पर आते हैं स्टेराइल होने के लिए। तो यहाँ वो स्टेराइल किए जाते हैं, गौज पीस वगैरह, कॉटन वगैरह यहाँ पर स्टेराइल तरीके से होते हैं। तो जो भी आइटम है यहीं आते हैं। तो किस तरीके से होते हैं वो हम आपको बताएंगे। एक ऑटोक्लेव मशीन यहाँ पर है, मौजूद हैं, उस ऑटोक्लेव के बारे में हम आपको बताएंगे। ऑटोक्लेव किस तरीके से चलाया जाता है, कितने टेम्परेचर पर, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस देखिए, ये है सीएसएचडी डिपार्टमेंट, ये रिसीविंग रूम है। तो जो भी अनस्टेराइल आइटम आते हैं ओटी से, वार्ड से, ओपीडी वगैरह से, वो यहीं रिसीव किए जाते हैं। ये ड्रम है, इनमें गौज पीस और कॉटन वगैरह आते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट आते हैं। और ये है रिटर्निंग रूम, जो आइटम स्टेराइल हो जाते हैं वो इसी रूम से रिटर्न किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है स्टेराइलाइजेशन रूम, इसमें आप देख सकते हैं ये इतने जो आइटम आए के लिए आए हैं, यानी कि स्टेराइल होने के लिए आए हैं। तो इस ऑटोक्लेव मशीन को चलाने का प्रोसेस क्या है वो हम आपको बताएंगे। इन्हें हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव बोला जाता है, इसे बोलते हैं वर्टिकल। इसमें छोटा मोटा सामान इसी में स्टेराइल कर लिया जाता है। तो ये है मशीन नंबर 2, ये है मशीन नंबर 1। तो हम इसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका वाटर लेवल देखें, तो यहाँ से हम ऑन कर देंगे तो ये वाटर सप्लाई हो जाएगी, और उसे 75% तक, यहाँ तक इसे भर लेते हैं। ये मैंने ऑफ कर दिया, देख सकते हैं आप ये वाटर का लेवल। तो हमने ये मशीन नंबर 2 स्टार्ट कर दी है, तो हम इसे वेट ड्राई पर कर देंगे। आपको ये दिख रहा होगा वेट ड्राई पर, अब इसमें स्टीम बनेगी। स्टीम अगर इसमें बनने लगेगी, तो ये पीछे जो पाइप लगा दिख रहा है, इस पाइप से स्टीम निकलने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ऑटोक्लेव में स्टीम। फ्रेंड्स, ये रिसीविंग रजिस्टर है, ये रफली है, वैसे तो इनकी अलग बनाए जाते हैं, मतलब जो सामान आता है वो हम इसी में एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि 16 दिसंबर को गौज कॉटन ड्रम 3 आए हैं, स्किन ओपीडी से आए हैं, और ये शख्स जो यहाँ पर डाल कर गया, तो ये मेरे साइन है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतना आइटम जो स्टेराइल होने के लिए आया है, तो हम इनके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, जिससे हम पहचान कर सकें कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा आइटम है। तो इसका एक स्टेराइल टैग आता है, ये देखिए। तो इससे हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट ड्रम है, ये ENT OT से आया है, तो हम इसमें एंट्री कर देंगे। ENT OT, और जो भी डेट है वो हम इसमें डेट में डाल देंगे। जैसे कि कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे कि 6 उसी डेट को हम डेट डालते हैं। तो हम इसे कट करके इस टैग को इसे हम ऐसे लगा देंगे। और फ्रेंड, ऑटोक्लेव में इसे स्टेराइल करने से पहले इसकी जो जाली हैं इन्हें खोल देते हैं। अगर ये बंद पर हमने इसे ऑटोक्लेव मशीन में डाल दिया, तो ये स्टेराइल आइटम नहीं होगा। तो हम इसे यहाँ से खोल देते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने खोल दिया है, अभी मैं तो इस मशीन के अंदर डाल देंगे। जैसे कि मैं ये डाल रहा हूँ, अभी इस ऑटोक्लेव को हम लॉक कर दें। इसे अच्छे से टाइट करके लॉक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं करीब 30 मिनट के बाद इस पाइप से जो है स्टीम निकलने लगी है, दिख रहा है आपको स्टीम इसमें से निकलने लगी है। तो हम इस ऑप्शन को ऑफ स्लो पे डाल देंगे। ये दिख रहा है आपको ऑफ स्लो पर। और इस पर करने के बाद ये निडल है, ये अगर 15 पर पहुंच जाएगी, उसके बाद हम इस स्टेराइलाइजेशन वाले ऑप्शन पर कर देंगे, तो हमारा जो आइटम है वो स्टेराइल होने लगेगा। जो आइटम है वो 121 डिग्री टेम्परेचर पर स्टेराइल हो जाता है। तो ये टाइमर है 121, ये दिखा रहा है ओवरऑल,
तो ये रेड लेटर में आ रहा है, यहाँ पर अगर 121 हो जाता है तो हम इसे मशीन को बंद कर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं करीब 20 मिनट बाद इसकी निडल है ये 15 पर पहुँच गई है। तो हम इस ऑप्शन को ऑफ स्लो से स्टेलाइजेशन पर डाल देंगे, और स्टेलाइजेशन पर डालने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे जो हमारा ये लॉक है सही से लॉक है या नहीं, ये अच्छे से लॉक कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो मैंने लॉक कर दिया है, हम इसे स्टेलाइजेशन पे डालते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो इसके अंदर जो मैंने आइटम डाले हैं वो स्टेलाइजेशन पर हो गए हैं, तो स्टेराइल में डाल दिए गए हैं, स्टेराइल हो रहे हैं। अब स्टेराइल होने के लिए कभी करीब ऐसे ही 40 से 45 मिनट तक समय लग सकता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 121 हो जाएगा। फिर होने के बाद तो फ्रेंड्स 121 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद हम इसे वैक ड्राई पर कर देते हैं, और वैक ड्राई करने के बाद जब ये निडल जीरो पर आ जाती है तब हम इस मशीन को लॉक को ओपन करके और जो आइटम है इसके बाद वो बाहर निकाल लेते हैं। अगर ये निडल जीरो से आने से पहले ही हमने इस लॉक को अगर खोल दिया तो हमारे जो हाथ पैर वगैरह चेहरा वगैरह ये सब जल सकता है, तो हमें इसे ऐसे लॉक को ओपन नहीं करना है। जब ये स्टेराइल हो जाए तो वैक ड्राइवर करने के बाद ये निडल हमें जीरो पर आ जाने चाहिए, आने के बाद फिर हम इसे ऑटोक्लेव को ओपन करके ये स्टेराइल सामान है वो रिटर्निंग रूम से। फ्रेंड्स इस ऑटोक्लेव मशीन को चलते 40 मिनट हो गई हैं, तो आप देखते हैं ये आपका टेम्परेचर 120 हो चुका है। वैसे 121 होता है लेकिन 120 पर भी सामान निकाल देते हैं वो स्टेराइल हो जाता है। तो अब आप ये देख रहे होंगे गाइस स्टेलाइजेशन पे ये लगा है, अब हम इसे वैक ड्राई पर कर देंगे क्योंकि अब ये सामान हमारा स्टेराइल हो चुका है। हमने वैक ड्राई पर कर दिया है और यहाँ से हम ऑफ़ कर देंगे, ये मशीन ऑफ हो गई। तो आप देख रहे होंगे कितनी प्रेशर से ये रिलीज हो रही है, तो अब ये रिलीज होने के बाद अब ये टेम्परेचर है अब ये डाउन होगा। अब डाउन होकर जब ये जीरो पर आ जाएगा उसके बाद हम इस ऑटो क्लिप को खोल देंगे। अभी इस कंडीशन में अभी हम इस लॉक को नहीं खोल सकते, हमारे फेस वगैरह सब जल सकता है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बहुत है, इसका आप देख सकते हैं स्टीम कितनी प्रेशर से निकल रही है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, निडल जब ये डाउन हो जाएगी तो हम ये आइटम है वैसे हम बाहर। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों को बताया स्टेलाइजेशन के बारे में, CSHD के बारे में क्या है, कैसे क्या स्टेलाइज होता है, और ऑटो क्लेव के बारे में। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।